जनजातीय जिला किन्नौर के रिकांगपियो स्थित बचत भवन में आज प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक रतन व उपमंडलाधिकारी कल्पा सुबाती डोगरा व विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए, जहां पर वह सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा विभिन्न विभागों के विभाग अध्यक्षों द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर कबीराज नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 504 दवाइयां मुफ्त दी जा रही। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम में कल्पा उपमंडल की ग्राम पंचायत कल्पा कोठी, पांगी, दूनी रोगी, युबारंगी, तेलंगी, खबानी व चुदारंग पंचायत के लोगों ने भाग लिया। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए किन्नौर से कुलभूषण नेगी की रिपोर्ट।